चलो भाई करते हैं शुरू। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फेलोवर, जो कि कल हमने डिस्कस किया था 15-20 मिनट। फिर पता नहीं आप में से कोई फेल हो गया था। फेलोवर फेलोवर क्या होता है? फेलोवर एक फीचर है। इट इज ए फीचर ऑफ एएसए व्हिच प्रोवाइड्स हाई अवेलेबिलिटी। आई होप अभी मुझे आपको ये डिटेल में दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं है कि फेल ओवर क्या होता है। अगर हमारे पास कंपनी के अंदर कोई भी एच डिवाइस है, ऐसे फायरवॉल जो कि इनसाइड और आउटसाइड नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है, इन केस अगर ये डिवाइस फेल हो गया तो इस डिवाइस का कोई बैकअप होना चाहिए। एंड दैट बैकअप हम कहां से लाते हैं? यूजिंग विच फीचर? फेल ओवर। मतलब हम एक और डिवाइस रखते हैं ASA2, जो कि कब काम करता है? अगर प्राइमरी वाला ASA क्या होता है? फेल। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा HSRP, VRRP, GLBP। ठीक है। एंड कल मैंने आपको बताया था, व्हेन एवर वी कॉन्फ़िगर फेल ओवर, देर आर टोटल टू डिवाइसेस या फिर टू फायरवॉल्स, एक एक्टिव एंड दूसरा स्टैंड बाय। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिव? एक्टिव यूनिट पासिस दी डेटा ट्रैफिक, या फिर आप ये बोल सकते हो एक्टिव यूनिट इज एक्टिव फॉर डेटा ट्रैफिक। जो यूनिट डेटा ट्रैफिक के लिए एक्टिव होगी, दैट इज नोन एज एक्टिव यूनिट। ठीक है। ऑल द कॉन्फ़िगरेशन इज डन ऑन एक्टिव यूनिट। ये वाला पॉइंट जो है वो आपको अभी बाद में समझ में आ जाएगा, बट कल मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था कि अगर हमारे पास दो फायरवॉल हैं, तो दोनों फायरवॉल में से एक फायरवॉल क्या होगा? एक्टिव, और एक फायरवॉल क्या होगा? स्टैंड बाय। एक्टिव बोले तो जो भी फायरवॉल डेटा ट्रैफिक को क्या करेगी? पास। जो भी फायरवॉल डेटा ट्रैफिक को पास करेगी, उसी फायरवॉल पर हमेशा क्या होगी? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। ये पॉइंट दोबारा से रिपीट होगा बाद में, बट अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी हम फेल ओवर कंफिगर करेंगे, दो फायरवॉल एक्टिव होंगे, सॉरी एक फायरवॉल एक्टिव होगी और एक फायरवॉल स्टैंड बाय। चलो अभी मैं यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करता हूँ, और आज बहुत ही सीरियस है, ध्यान से पढ़ रहे हैं आज सभी बच्चे, लेकिन हम सवाल पूछेंगे आमिर से। आमिर ये बताओ, मान लेते हैं ये फायरवॉल है एक्टिव और ये फायरवॉल है स्टैंड बाय, ये फायरवॉल फेल हो गई, ये एक्टिव बन जाएगी, ये फायरवॉल फेल हो गई, 10 में से 3 नंबर आए इसके पास, ये बना नहीं है ना, क्लियर है ना? अगर ये फायरवॉल फेल हो गई तो ये फायरवॉल क्या बन जाएगी? एक्टिव। सारा का सारा ट्रैफिक कहां से पास होने लगेगा? एक्टिव से। फेल ओवर का मतलब क्या है? एक डिवाइस फेल हो तो उसका रोल कोई और टेक ओवर कर ले। मैंने बोला ना बाद में आएगा, ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे तो। ठीक है। स्टैंड बाय यूनिट का काम क्या होता है? स्टैंड बाय यूनिट का काम क्या है? इट इज स्टैंड बाय फॉर डेटा ट्रैफिक, या फिर नो डेटा ट्रैफिक पासिस थ्रू स्टैंड बाय यूनिट, इट जस्ट वेट्स फॉर एक्टिव यूनिट टू फेल एंड हाँ बस। ठीक है।
भपिन, ये बताओ भपिन, मान लेते हैं AS7 फेल हो गया। AS7 के फेल होने के बाद अगर आपको कोई ACL बनानी है तो कौन सी फायरवॉल पर बनाओगे? हाँ जो स्टैंड बाय से एक्टिव होगा। यहां पर ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है, ऑलवेज रिमेंबर दो फायरवॉल होंगी, एक फायरवॉल हमेशा एक्टिव होगा, एक फायरवॉल स्टैंड बाय। अगर एक्टिव वाला फेल हो गया तो क्या हो गया? मुझे लगा क्लोज हो गया। जो फायरवॉल एक्टिव होगा अगर वो फेल हो गया तो दूसरा फायरवॉल क्या बन जाएगा? एक्टिव। अब अगर हमें इस टाइम पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी तो कॉन्फ़िगरेशन कहां पर होगी? एक्टिव पर, ना कि इस वाले पर। ठीक है, हमेशा दो फायरवॉल होंगी, दोनों में से हमेशा एक फायरवॉल क्या होगी? एक्टिव। और हमेशा कॉन्फ़िगरेशन कौन सी फायरवॉल पर होगी? एक्टिव पर। ऐसा नहीं है अच्छा AS7 AS2 पहले ये एक्टिव बना तो हमेशा कॉन्फ़िगरेशन AS7 पर ही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। लगता है तुमने आकाश का क्वेश्चन सुना नहीं था। आई होप आपको अभी यहाँ पर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और आज मैंने ये वाला पॉइंट डिटेल में नहीं समझाया आपको, क्योंकि कल हम ये कवर कर चुके थे। फेल ओवर, अरे मतलब एक डिवाइस फेल हो गया तो उसका कोई रोल टेक ओवर कर सके, वो होता है फेल ओवर। जैसे HSRP फीचर पढ़ा होगा ना आपने, हाँ तो उसी तरीके से होता है। फेलओवर एक ऐसा फीचर है जो कि क्या प्रोवाइड करता है? डिवाइस रिडंडेंसी। आज तो बोल दिया मैंने, मतलब अगर कोई डिवाइस फेल हो तो उसका क्या हो? बैकअप। रियल टाइम में आपको ये जो है ना रिडंडेंसी दो तरीके की मिलेगी, एक तो डिवाइस और एक इंटरफेस। जैसे कि आप ईथर चैनल बनाते हो, ईथर चैनल आपका इंटरफेस रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है। आप स्टैटिक राउट ट्रैकिंग फीचर यूज करते हो, रिडंडेंट इंटरफेस यूज करते हो, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं? इंटरफेस रिडंडेंसी। अभी मैंने जो पॉइंट बोले हैं ना, या तो आप खुद से एक बार देख लेना, स्टैटिक राउट ट्रैकिंग तो फीचर कवर होगा, क्या है देखना चाहो तो आप गूगल करके देख सकते हो, एडिशनल नॉलेज हो जाएगी, बट हम कवर करेंगे इसको फायरवॉल में। और ये फीचर आप देख सकते हो क्या होता है, रिडंडेंट इंटरफेस। ईथर चैनल भी कवर हो जाएगा। और डिवाइस की अगर हम बात करें, डिवाइस का फेलओवर की बात करें, तो हमारे पास दो फीचर होते हैं, एक तो फेलओवर और एक क्लस्टरिंग। दोनों फीचर अभी हम पढ़ेंगे, पहले फेलओवर पढ़ेंगे उसके बाद क्लस्टरिंग। ठीक है, तो अभी हमने बस एक पॉइंट अच्छे से समझा है कि अच्छा भैया अगर हम फेलओवर कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमारे पास दो तरीके के डिवाइसेस होते हैं, एक डिवाइस होता है एक्टिव और एक डिवाइस होता है स्टैंड बाय। नाउ यहां पर आकर हम कल अटक गए थे, बट आज कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइप्स ऑफ फेलओवर, जब भी हम फेलओवर कॉन्फ़िगर करेंगे कितने तरीके हैं फेलओवर को कॉन्फ़िगर करने के? देर आर टू वेज बाय विच वी कैन कॉन्फ़िगर फेलओवर। पहला एक्टिव स्टैंड बाय, एंड दूसरा एक्टिव एक्टिव। अगर आप इन टर्म को देखो, इस टर्म को पढ़ो, तो एक्टिव 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 स्टैंड बाय, यहां पर आप सभी को पता है जब भी हम फेल ओवर कॉन्फ़िगर करेंगे हाउ मेनी फायरवॉल्स डू वी हैव?
एंड आप सभी को पता है एक्टिव का मतलब क्या होता है और स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है। एक्टिव मींस दैट द फायरवॉल व्हिच इज एक्टिव फॉर डेटा ट्रैफिक। एक्टिव स्टैंड बाय फेलओवर के अंदर क्या होगा, एक फायरवॉल एक्टिव होगी डेटा ट्रैफिक के लिए और एक फायरवॉल क्या होगी स्टैंड बाय। अगर हम बात करें एक्टिव फेलओवर की तो एक्टिव फेलओवर के अंदर क्या होगा, कितनी फायरवॉल एक्टिव होंगी, दोनों, ये भी एक्टिव होगी और ये भी क्या होगी एक्टिव। अभी बस मैंने जो ये टर्म है इसका मतलब बताया, नाम का मतलब बताया। जब भी हम फेलओवर कॉन्फ़िगर करेंगे दो फायरवॉल होती हैं, एक्टिव स्टैंडबाय बताता है कि एक फायरवॉल एक्टिव होगी और एक फायरवॉल क्या होगी स्टैंडबाय। ठीक है, तो कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं अभी एक्टिव स्टैंडबाय के और एक्टिव के। एक्टिव स्टैंडबाय फेलओवर इसमें क्या होता है, वन यूनिट इज एक्टिव एंड अदर यूनिट इज स्टैंड बाय। कुछ समझाने का नहीं है इस पॉइंट में। दिस फेलओवर इज सपोर्टेड इन सिंगल एज वेल एज मल्टीपल मोड। जब भी हम फायरवॉल को डिप्लॉय करते हैं तो फायरवॉल को डिप्लॉय करने के दो मोड होते हैं, सिंगल मोड एंड मल्टीपल मोड। मिस्टर रेड्डी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल मोड एंड मल्टीपल मोड? सिंगल मोड मींस वी आर यूजिंग एएसए फॉर वन कॉन्टेक्स्ट, इन मल्टी मोड वी आर यूजिंग क्रिएटिंग मल्टीपल एएसए लॉजिकली। दुर्गा, व्हाट इज सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट? सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट टू प्रोवाइड टू क्रिएट द मल्टीपल टू क्रिएट द मल्टीपल लॉजिकल एएसए। रोहित, व्हाट इज सिक्योरिटी लेवल? डोंट फॉरगेट द बेसिक पार्ट। ओके, तो फेलओवर इज सपोर्टेड इन सिंगल मोड एज वेल एज मल्टीपल मोड एंड एक्टिव स्टैंड बाय फेलओवर के अंदर क्या होता है, देर इज नो लोड बैलेंसिंग एज वेल एज। लेट मी एड वन मोर पॉइंट, देर इज नो प्रीएम्प्शन इन एक्टिव स्टैंडबाय फेलओवर। यहां पर मैंने ये पॉइंट नहीं लिखा कि हमेशा कॉन्फ़िगरेशन कौन सी फायरवॉल पर होती है, एक्टिव पर। अब ये पॉइंट मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नो मैटर वेदर इट इज एक्टिव स्टैंडबाय फेलओवर और एक्टिव फेलओवर, कॉन्फ़िगरेशन हमेशा कहां पर होगी। अब लेकिन आपका सवाल हो सकता है, सर एक्टिव में तो दोनों फायरवॉल एक्टिव है। जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली सेकंड पॉइंट क्या है, जब भी जैसे कि हमारे पास एक राउटर होता है, राउटर को जब भी हम डिप्लॉय करते हैं नेटवर्क में तो हम एज ए इसको लेयर 3 डिवाइस ही डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी हमारे पास एक फायरवॉल होता है, फायरवॉल को डिप्लॉय करने के दो तरीके हैं, या तो मैं इसको एज ए सिंगल मोड में डिप्लॉय कर दूं या फिर इसको मल्टीपल मोड में। सिंगल मोड का मतलब है फायरवॉल एज ए एक डिवाइस काम करेगा, मल्टीपल मोड का मतलब क्या, मैं काफी सारी क्या बना सकता हूँ, वर्चुअल फायरवॉल। आपने वो देखा होगा ना, VMware पर हम मल्टीपल मशीन इंस्टॉल कर लेते हैं एक ही मशीन लैपटॉप पर, तो मल्टीपल मोड इज लाइक वर्चुअलाइजेशन ऑफ फायरवॉल। हम मल्टीपल फायरवॉल क्रिएट कर सकते हैं एक ही एएसए के अंदर। ठीक है,
आई विल कवर दैट पॉइंट. अभी मुझे आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ठीक है. हाँ हाँ मैं अभी समझाता हूँ. अरे समझाने दो ना मुझे. ठीक ठीक ठीक. तो पहला पॉइंट क्या, देर इज नो लोड बैलेंसिंग. अब लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है, अगर हमारे पास दो फायरवॉल हैं ASA 1 एंड ASA 2, दोनों में से कोई भी फायरवॉल क्या करेगी, ट्रैफिक को पास. लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि अच्छा दोनों फायरवॉल क्या करें, कुछ कुछ ट्रैफिक को पास करें, आपस में ट्रैफिक को बांट लें, यहां पे थोड़ा ट्रैफिक तुम पास करो, थोड़ा ट्रैफिक हम पास करते हैं, और यूं ही चलते रहे, यूं ही कट जाएगा सफर. बट लोड बैलेंसिंग इज नॉट सपोर्टेड इन एक्टिव स्टैंड बाय फेलओवर. क्योंकि एक्टिव स्टैंड बाय फेलओवर का मतलब क्या है, एक फायरवॉल क्या होगी और दूसरी फायरवॉल क्या होगी. स्टैंड बाय का मतलब क्या है, इट इज नॉट एक्टिव, इट विल नॉट पास एनी डेटा ट्रैफिक. एक टाइम पे एक ही फायरवॉल क्या करेगी, ट्रैफिक को पास. दोनों फायरवॉल अगर ट्रैफिक को पास करे, देन वी कैन से इट इज लोड बैलेंसिंग. अगर एक ही फायरवॉल से ट्रैफिक पास हो रहा है, देन देयर इज नो लोड बैलेंसिंग. या तो ट्रैफिक यहां से पास होगा या फिर ट्रैफिक यहां से पास होगा. दोनों फायरवॉल से एक साथ ट्रैफिक कभी भी पास नहीं होगा. कैसा ट्रैफिक, डेटा ट्रैफिक. समझ में आया, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. देर इज नो लोड बैलेंसिंग. अब अगला पॉइंट, देर इज नो प्रीएम्प्शन इन एक्टिव स्टैंड बाय फेलओवर. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी हम फेलओवर कॉन्फ़िगर करेंगे तो एक फायरवॉल क्या बन जाएगी, एक्टिव, और एक फायरवॉल क्या बन जाएगी, स्टैंड बाय. मान लेते हैं ASA 1 फायरवॉल क्या बन गई, एक्टिव. तो सारा का सारा डेटा ट्रैफिक कौन सी फायरवॉल से पास होगा, सारा का सारा ट्रैफिक कहां से पास होगा, ASA 1 से, बिकॉज ASA 1 इज एक्टिव. नाउ इन केस ASA 1 फेल्स, ASA 1 क्या हो गई, फेल, देन ASA 2 विल बिकम व्हाट, एक्टिव, राइट, एंड ASA 1 विल बिकम व्हाट, स्टैंड बाय. या फिर फॉर नाउ वी कैन से दैट ASA 1 हैज फेल्ड. मे बी अगर ये रीलोड हो गई तो फेल हो गई, कोई रोल नहीं है अभी इसका. अब मान लेते हैं ASA 1 फेल हो गया, ASA 2 एक्टिव बन गई, सारा का सारा ट्रैफिक कहां से पास होगा, ASA 2 से. ASA 1 से ट्रैफिक पास नहीं होगा. बट इन केस ASA 1 के फेल होने के बाद, मान लेते हैं 5 या 10 मिनट के बाद ASA 1 अप आ गई, तो ASA 1 अपना रोल टेक ओवर नहीं करेगी. ASA 1 क्या बन जाएगी, स्टैंड बाय. प्रीएम्प्शन का मतलब क्या होता है, अपना रोल टेक ओवर करना. समझ में आया, जो कि आप सभी करते हो हमेशा बिना बात के, अरे हर चीज में करते हो तुम. प्रीएम्प्शन समझ में आया, टेकिंग द रोल बैक. और एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर के अंदर कोई प्रीएम्प्शन नहीं होता. एक बार जो ASA एक्टिव बन गई, वही ASA क्या रहेगी, एक्टिव. क्योंकि मान लो, देखो ना, खुद देखो आप, मान लेते हैं ये ASA पहले एक्टिव थी, ये फेल हो गई, ये ASA एक्टिव बन गई. अब ये ASA एक्टिव है, ये सारा का सारा ट्रैफिक यहां से पास होगा. मान लेते हैं ये ASA दोबारा से अप आ गई. अब ये ASA एक्टिव पहले से है, ये अपना रोल चेंज करे, उससे फायदा क्या होगा, हमें डेटा ट्रैफिक को पास करना है, डेटा ट्रैफिक तो पास हो ही रहा है, किसी भी ASA से वो क्या फर्क पड़ता है. समझ में आया, सो दैट्स वाई एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर के अंदर कोई प्रीएम्प्शन नहीं होती. देर इज नो प्रीएम्प्शन इन एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर. आई होप इट इज क्लियर. ऑनलाइन कोई पूछ रहा था,
तो नाउ लेट अस डिस्कस एक्टिव एक्टिव फेल ओवर. अभी बस एक्टिव एक्टिव फेल ओवर का भी इंट्रोडक्शन ही होगा, ठीक है. आज हम पहले थोड़ा थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक प्रैक्टिकल. कल छुट्टी हो गई थी तो हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा. यस प्राइमरी लिंक, प्राइमरी लिंक नहीं प्राइमरी एएसए बोलेंगे हम. नहीं 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 ऐसा नहीं है. यहां पर जितनी बैंडविड्थ होगी वो ही यहां पर होगी. वो दूसरा सिनेरियो है. यहां पर फेल ओवर का मतलब क्या है, अगर ये वाला एएसए फेल हुआ इसका रोल टेक ओवर करने के लिए कोई दूसरा फायरवॉल चाहिए, और जो दूसरा फायरवॉल चाहिए हमें वो उतना ही कैपेबल चाहिए ना. मान लेते यहां से 4 मिलियन कनेक्शन बन सकते, तो इस वाली फायरवॉल से भी कितने बनने चाहिए. ऐसा फेल ओवर नहीं चलेगा फिर. नहीं इंटरफेसिस मतलब आप कह सकते हो बोथ फायरवॉल मस्ट बी आइडेंटिकल. अभी अगले पार्ट में आ जाएगा. अरे भाई ऐसे केस में फेलओवर कन्फिगर नहीं होता, आप वो दूसरी रिक्वायरमेंट बता रहे हो कि भाई मान लेते हैं मेरे पास दो लिंक है प्राइमरी और एक सेकेंडरी, इस पे ज्यादा लीज लाइन है, यहाँ पे ज्यादा बैंडविड्थ और यहाँ पर कम बैंडविड्थ है. वो दूसरा सिनेरियो है, वो आपका कवर हो जाएगा स्टैटिक राउट ट्रैकिंग के अंदर. दैट इज डिफरेंट सिनेरियो, वो भी होता है रियल टाइम में, वो भी कवर होगा, ठीक है. अभी उसका फेलओवर से लेना देना नहीं है. फेलओवर का मतलब क्या है, मेरे पास एक फायरवॉल का बैकअप चाहिए, तो जितना कैपेबल ये वाला एएसए उतना ही कैपेबल ये वाला एएसए होना चाहिए, ठीक है. तो अभी हम डिस्कस करते हैं एक्टिव एक्टिव फेल ओवर. एक्टिव एक्टिव फेल ओवर के अंदर क्या होता है, बोथ एएसएस आर एक्टिव फॉर डेटा ट्रैफिक. डेटा ट्रैफिक के लिए दोनों की दोनों फायरवॉल क्या होती हैं, एक्टिव. राकेश एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर इज सपोर्टेड इन विच मोड ऑफ एएसए. हरी बोथ मोड, सिंगल मोड एज वेल एज मल्टीपल मोड. बट इफ वी टॉक अबाउट एक्टिव एक्टिव फेल ओवर इट इज सपोर्टेड ओनली इन मल्टीपल मोड. जहां पर क्या बने हो, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट. अब एक्टिव एक्टिव फेल ओवर में दोनों फायरवॉल एक्टिव होते हैं, इसका मतलब क्या है, लोड बैलेंसिंग इज सपोर्टेड. रुको ना भाई रुको, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन देन यू आस्क. एंड इसके अंदर क्या सपोर्ट होता है, प्रीएम्प्शन इज सपोर्टेड. लोड बैलेंसिंग क्या होता है, प्रीएम्प्शन क्या होता है, आई होप मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. बस आपको आप ये बता देते हैं कि भाई दोनों फायरवॉल एक्टिव कैसे होती है. पहली बात, एक चीज हमेशा याद रखना, एक्टिव एक्टिव फेल ओवर इज सपोर्टेड ओनली इन मल्टीपल मोड. जहां पर क्या बने हैं, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, वर्चुअल फायरवॉल जहां पर क्रिएटेड है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये है हमारा एएसए 1 और ये है एएसए, ठीक है. जब भी हम एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर कन्फिगर करते हैं, यहां पर एक पॉइंट और ऐड करते हैं, फेल ओवर तो हम फिजिकल डिवाइस पर ही कन्फिगर करते हैं, बट फेल ओवर वर्क्स एट द लेवल ऑफ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट. जो फेल ओवर काम करता है वो किसके लिए काम करता है, वर्चुअल फायरवॉल के लिए. मतलब
व्हेन एवर वी आर कॉन्फ़िगरिंग फेलओवर इन मल्टीपल मोड, हम किस तरीके से फेलओवर कॉन्फ़िगर करते हैं, इस तरीके से कि भाई C1 एक्टिव होगा किस पर, ASA1 पर, और C2 एक्टिव होगा किस पर, ASA2 पर। तो अगर मैंने इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन की तो C1 का जो ट्रैफिक होगा वो कहां से पास होगा, ASA1 से, और C2 का ट्रैफिक कहां से पास होगा, ASA2 से। एक कॉन्टेक्स्ट के लिए कितनी फायरवॉल से ट्रैफिक पास हो रहा है, एक फायरवॉल से, फेलओवर इज वर्किंग एट कॉन्टेक्स्ट लेवल। लेकिन अगर दोनों फायरवॉल ट्रैफिक को पास कर रही हैं तो दोनों फायरवॉल क्या हो गई, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्टिव एक्टिव फेलओवर। समझ में आया? और इसमें होता क्या है, अगर मान लेते हैं मेरा ASA 1 पर C1 एक्टिव है तो ASA 2 पर C1 क्या होगा, स्टैंड बाय। अगर ये यहां पर एक्टिव है तो दूसरे वाले फायरवॉल पर क्या होगा, स्टैंड बाय। अगर ASA 2 पर C2 एक्टिव है तो यहां पर C2 क्या होगा, स्टैंड बाय। फेलओवर अभी भी काम कर रहा है, एक्टिव स्टैंड बाय है, बट एक्टिव स्टैंड बाय किसके लिए, कॉन्टेक्स्ट लेवल पे। दोनों फायरवॉल लेकिन क्या है, एक्टिव, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्टिव एक्टिव फेलओवर। ठीक है, यहां पर अभी मैंने एक पॉइंट नहीं समझाया आपको, लोड बैलेंसिंग तो हो ही रही है, दोनों फायरवॉल ट्रैफिक को पास कर रही है, ये वाला पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया नहीं है, ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। मतलब या फिर आपको अगर मैं छोटे से मैं बताऊं तो क्या मतलब है इसका, कि मान लो ASA 1 पर C1 फेल हो गया तो C1 कहां पर एक्टिव हो जाएगा, यहां पर। अब C1 और C2 दोनों के लिए ASA 2 क्या हो गया, एक्टिव। कुछ देर बाद ASA 1 अप आ गया तो नॉर्मली ये क्या बनेगा, स्टैंड बाय। नॉर्मली क्या बनना चाहिए, अगर प्रीएम्पशन ना हो तो, लेकिन अगर ये स्टैंड बाय बना तो एक फायरवॉल ट्रैफिक को पास कर ही नहीं रही है, ऑलरेडी एक फायरवॉल क्या कर रही है, ट्रैफिक को पास कर रही है, ये तो गलत बात हो जाएगी। जब दोनों फायरवॉल ट्रैफिक को पास कर सकते हैं तो व्हाई नॉट वी फॉरवर्ड ट्रैफिक फ्रॉम बोथ फायरवॉल। तो इसलिए जब भी हम एक्टिव एक्टिव फेलओवर कॉन्फिगर करते हैं, कोई कॉन्टेक्स्ट फेल होता है और वो दोबारा से अप आता है तो दैट कॉन्टेक्स्ट कैन टेक ओवर इट्स रो। क्या दोनों में, एक मिनट, हाँ जी, केवल C1 ही है, हाँ उस केस में तो एक्टिव एक्टिव हो ही नहीं पाएगा ना, एक ही कॉन्टेक्स्ट है तो। अगर एक ही कॉन्टेक्स्ट है तो फिर एक ही फायरवॉल एक्टिव होगा, एक फायरवॉल क्या होगा, स्टैंड बाय। देन देयर इज नो सेंस ऑफ एक्टिव एक्टिव। एक्टिव एक्टिव केवल तब हो सकता है जब आपके पास मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट है और आप दोनों फायरवॉल को यूटिलाइज करना चाहते हो। तो उस केस में आप क्लस्टरिंग यूज करोगे, फेलओवर से नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक ही कॉन्टेक्स्ट है, इन दैट केस यू कैन नॉट यूज फेलओवर टू लोड बैलेंस ट्रैफिक, बट यू कैन यूज दी अनदर फीचर विच इज क्लस्टरिंग। क्लस्टर से आप दोनों फायरवॉल को यूज कर सकते हो, लोड बैलेंस करा सकते हो। अब आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट है, दो कॉन्टेक्स्ट है, तीन कॉन्टेक्स्ट है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फेलओवर से नहीं हो पाएगा अगर एक कॉन्टेक्स्ट है तो। हाँ जी, एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ, ये फीचर है ASA का, ये हर फायरवॉल के अंदर होता है क्लस्टरिंग, मल्टीपल फायरवॉल को कंबाइन करना। हाँ जी आशीष, समझ में आया, एक्टिव एक्टिव फेलओवर क्या होता है, दोनों फायरवॉल ट्रैफिक को पास करती हैं और एक्टिव स्टैंड बाय में क्या होता है, एक ही फायरवॉल क्या करती है, ट्रैफिक को पास। तो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे एक्टिव स्टैंड बाय का भी और एक्टिव एक्टिव का भी, बट उससे पहले हमें कुछ चीजें और जाननी है। ठीक है, तो वो चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि पवन भाई का क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा।
फेलओवर रिक्वायरमेंट। जब भी हम फेलओवर कॉन्फ़िगर करते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों फायरवॉल की क्या क्या चीजें सेम होनी चाहिए, सॉरी बोथ फायरवॉल्स मस्ट बी आइडेंटिकल फिजिकली भी और सॉफ्टवेयर लेवल पर भी, सब कुछ क्या होना चाहिए सेम। अगर फिजिकल एएसए सेम है तो इसका मतलब क्या है, सेम नंबर ऑफ इंटरफेस होंगे, सेम नंबर ऑफ रैम होगी, जो भी हार्ड डिस्क वगैरह है वो सब क्या होगा सेम। सेम फायरवॉल टाइप होना चाहिए, जैसे आपको बताए थे राउटेड और ट्रांसपेरेंट दो टाइप होते हैं, ठीक है। राउटेड फायरवॉल AS7 राउटेड फायरवॉल है तो AS2 भी क्या होना चाहिए राउटेड, ऐसा नहीं है एक फायरवॉल राउटेड और एक फायरवॉल क्या है ट्रांसपेरेंट। फेलओवर आप केवल उन दो फायरवॉल के बीच में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो हर चीज में क्या है आइडेंटिकल। सेम फायरवॉल टाइप एंड सेम फायरवॉल मोड, मोड भी क्या होना चाहिए सेम, मतलब ऐसा नहीं हो सकता AS7 सिंगल है और AS2 क्या है मल्टीपल, फेलओवर काम नहीं करेगा। ये सिंगल है तो ये भी सिंगल होना चाहिए, ये मल्टीपल है तो ये भी मल्टीपल, बोथ मस्ट बी सेम। कितना क्लियर, इसके अलावा सॉफ्टवेयर वर्जन मस्ट बी सेम, क्योंकि आपका ASA पे सॉफ्टवेयर वर्जन होता है ना, जैसे कि मान लेते हैं मेरा AS7 का सॉफ्टवेयर वर्जन है 9.1, तो AS2 का भी सॉफ्टवेयर वर्जन क्या होना चाहिए 9.1। बट ये सॉफ्टवेयर वर्जन एक केस में क्या हो सकता है डिफरेंट, जैसे मान लेते हैं रियल टाइम में ये फायरवॉल डिप्लॉयड है और आपके पास कोई डाउन टाइम नहीं है, एंड अब मार्केट में नया वर्जन आ गया 9.2 मान लेते हैं 9.2 आ गया, अब आपको क्या करना है अप टू डेट रहना है। So you have to upgrade the version of ASA but without taking any downtime, which is known as zero downtime upgrade। जैसे मान लेते हैं कैसे होता है, ये firewall active है और ये firewall क्या है standby। आप पहले क्या करोगे, standby पे ये वाली image को upload करोगे, इसको boot कराओगे, फिर इसको क्या बना दोगे active, ये किसके साथ active हो जाएगी 9.2, फिर आप ये स्टैंड बाय बन गया, इस पर आप इमेज को अपलोड करोगे, फिर इसको बूट कराओगे, फिर इसको बाद में क्या बना दोगे। तो मतलब कुछ टाइम के लिए जब आपने एक फायरवॉल को अपग्रेड कर दिया तो इसका वर्जन क्या हुआ, तो इसका वर्जन क्या हुआ डिफरेंट। तो कुछ टाइम के लिए व्हेन यू आर अपग्रेडिंग फायरवॉल वर्जन एट दैट टाइम द सॉफ्टवेयर वर्जन कैन बी डिफरेंट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ड्यूरिंग ड्यूरिंग एक मिनट ड्यूरिंग जीरो डाउन टाइम अपग्रेड सॉफ्टवेयर वर्जन कैन बी डिफरेंट। अब आपका सवाल है कि भाई एक फायरवॉल पर 9.1 वर्जन है और एक फायरवॉल पर 9.2 फॉर एग्जांपल, तो क्या करेंगे, ये सवाल है। फेलओवर वर्किंग में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि अगर मैं अपग्रेड भी करता हूं तो उस टाइम पे भी तो फेलओवर काम करेगा, बट इसमें भी कंडीशन है, जैसे कि आप सभी को पता है फेलओवर वर्जन स्टार्ट हुआ था 8.1, फिर 8.3 मान लेते हैं, फिर 8.6, फिर आया 9.1, 9.3, 9.5, 9.6। अगर हम फेलओवर रन करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि 9.1 और 9.3 के बीच में चल जाए, जो मेजर वर्जन और माइनर वर्जन है उसके बीच में ज्यादा डिफरेंस ना हो। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा एक ASA है 8.4 और दूसरा ASA है 9.6, फेलओवर काम ही नहीं करेगा। अगर माइनर डिफरेंस है इन दैट केस इट कैन वर्क। जीरो डाउन टाइम अपग्रेड में हम कभी भी अगर आप अपग्रेड करते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते 8.4 से सीधा कहां ले गए 9.6, एक पूरी प्रॉपर अप्रोच होगी, पहले हम 8.4 को 8.6 पर लेकर जाएंगे, फिर 8.6 को उसके नेक्स्ट वर्जन पर लेकर जाएंगे, फिर उसको नेक्स्ट वर्जन पर, बिकॉज फेलओवर अगर आपका माइनर वर्जन है इससे पहले जो आया है केवल उसी के साथ काम करेगा, पूरा मेजर डिफरेंस है तो वो काम
नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर डाउन चला गया मतलब हार्डवेयर डाउन चला गया। हाँ नाउ वी हैव टू डिस्कस वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके साथ काफी कुछ और चीजें हमें समझ में आएंगी। फेलओवर लैन इंटरफेस, फेलओवर लैन इंटरफेस क्या होता है? इट इज ए डेडिकेटेड इंटरफेस by which both ASAs are connected. एक डेडिकेटेड इंटरफेस होता है जिसके थ्रू दोनों ASA क्या होती हैं? डायरेक्टली कनेक्टेड। हाँ both ASAs are directly connected and is used for फॉलोइंग पर्पस। मतलब ये मेनली ये इंटरफेस मेनली किसके लिए काम होता है? फेलओवर के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास किसी भी कंपनी के अंदर कोई फायरवॉल है तो वो ऑब्वियसली फायरवॉल कनेक्टेड होगा एक लेयर टू स्विच के साथ। ये मैं स्विच को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यहां भी कोई स्विच होगा, यहां पर हमारे पास कोई राउटर कनेक्टेड होगा। अभी हम छोटा सा सिनेरियो बना लेते हैं, राउटर वन राउटर टू मान लेते हैं, यहां पर आईपी 1.1 यहां पर आईपी 2.1। अभी मैं पब्लिक आईपी नहीं लिख रहा, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ये मान लेते हैं आईएसपी और यहां पर है 1.0.1.1। मान लेते हैं ASA 1 का है 0/0 इंटरफेस और ये है 0/1 इंटरफेस। अब अगर हमें इस ASA का बैकअप चाहिए तो वी नीड वन मोर ASA, ASA 2, और इसका भी 0/0 इंटरफेस कनेक्टेड होगा स्विच के साथ और 0/1 इंटरफेस इस स्विच के साथ, जिससे कि हम चाहते हैं कि डेटा ट्रैफिक अगर यहां से पास हो रहा है ये फेल हो जाए तो ट्रैफिक कहां से जाने लगे? यहां से। तो जिस तरीके से हमारा फिजिकल ASA कनेक्टेड है उसी तरीके से, सॉरी एक्टिव ASA कनेक्टेड है उसी तरीके से क्या होगा? स्टैंड बाय। बट अब बात यहां पर ये आती है कि भाई अगर हम इन दोनों डिवाइसेस के बीच में फेल ओवर कंफिगर कर रहे हैं, एक फीचर है, तो ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? मान लेते हैं ये वाला ASA फेल हो गया तो ASA 2 को पता कैसे चलेगा? डेटा इंटरफेस से तो ट्रैफिक जाएगा, लेकिन अगर हम फेलओवर कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये दोनों डिवाइसेस आपस में इंटरैक्ट कैसे करेंगे? तो इंटरैक्शन के लिए हमेशा क्या होगा? एक डेडिकेटेड इंटरफेस। डेडिकेटेड बोले तो वी कैन नॉट यूज एनी ऑफ द डेटा इंटरफेस। ऐसा नहीं है ये दोनों इंटरफेस यहां से कम्युनिकेट कर लेंगे एक दूसरे के साथ। फेलओवर का कम्युनिकेशन डेटा इंटरफेस से नहीं होता। हम क्या चाहिए? एक डेडिकेटेड इंटरफेस, ठीक है, जिससे कोई डेटा ट्रैफिक पास ना हो, वो जो केवल किसके लिए यूज हो रहा है? फेल ओवर के लिए। जैसे कि मान लेते हैं ये है 0/0, 0/1, एक डेडिकेटेड इंटरफेस हमने कनेक्ट कर दिया दोनों फायरवॉल के बीच में, जैसे कि 0/2। अब ये दोनों फायरवॉल आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हाँ भाई कौन सा ASA एक्टिव बनेगा, कौन सा ASA स्टैंड बाय बनेगा, यहां पर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ क्या कर सकते हैं? आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं कि अच्छा भाई कौन सी ASA हेल्दी है, कौन सी ASA कम हेल्दी है, सारा का सारा कम्युनिकेशन हो सकता है। कौन से इंटरफेस से? डेडिकेटेड इंटरफेस, जो कि कहलाता है क्या? फेलओवर लैन इंटरफेस। दो मिनट रुकना, अटेंडेंस टाइम। तो कहां थे हम? हाँ, फेलओवर इंटरफेस क्या होगा? लैन इंटरफेस एक डेडिकेटेड इंटरफेस। अब ये इंटरफेस इस तरीके से कनेक्टेड हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ये क्या हुआ भाई
कि दोनों ASAs आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब बीच में कोई स्विच नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ASAs के बीच में क्या हो, एक लेयर टू स्विच, स्विच के थ्रू भी कनेक्टिविटी हो सकती है, विदाउट स्विच भी क्या हो सकती है, कनेक्टिविटी। बट दोनों केसेस में दोनों फायरवॉल क्या होंगी, डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब जो इनके इनके इंटरफेसेस पर आईपी एड्रेस होगा दैट विल बी सेम। नहीं, डायरेक्टली कनेक्टेड कहां से हो पाएंगे, L3 डिवाइस से डायरेक्टली बोले तो सेम सबनेट। क्या मान लेते हैं AS7 का इंटरफेस फेल हुआ, AS2 को ये भी तो लगेगा मेरा इंटरफेस तो डाउन नहीं हुआ, there will be no way by which ये दोनों ASA डिटेक्ट कर पाएंगे कौन से एंड पर इंटरफेस फेल हुआ है। मान लेते हैं ये दोनों ASAs एक दूसरे को हेलो मैसेज भेज रहे हैं, यहां से इंटरफेस डाउन हो गया, क्या ASA2 को कोई हेलो मैसेज मिलेगा, क्या ASA1 को कोई हेलो मैसेज मिलेगा, पता कैसे चलेगा कहां से डाउन हुआ है। अगर यहां पर लाइन प्रोटोकॉल डाउन हुआ तो यहां पर भी डाउन होगा, दिक्कत हो गई ना। इन केस अगर हम स्विच लगा देते हैं तो यहां पर इंटरफेस डाउन होगा तो ये वाला स्टेटस क्या रहेगा, पता चल सकता है कि किस साइड से फेल ओवर इंटरफेस क्या हुआ है, फेल। समझा, समझे? हेलो, एज राउटर कहां से आ गए भाई यहां पर, हाँ नहीं, यहां से दो राउटर हैं, इन दोनों को आप इसके साथ कनेक्ट कर दो, अब हाँ अब ये डिस्कस करते हैं कि फेल ओवर लाइन इंटरफेस का काम क्या है, व्हाई फेल ओवर लाइन इंटरफेस इज ठीक मार। पहला तो क्या, फेलओवर लैन यूनिट रोल एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज होता है, फेलओवर लैन यूनिट रोल। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम फेलओवर कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक ASA क्या बनता है, एक्टिव, और एक ASA क्या बनता है, स्टैंड बाय। अब देयर मस्ट बी ए क्राइटेरिया बाय विच दीज ASAs कैन डिसाइड कि हाँ भाई कौन सा वाला एक्टिव बनेगा और कौन से वाला स्टैंड बाय, मतलब कुछ ना कुछ यहां पर क्या रहता होगा, कॉन्फ़िगर्ड। जैसे कि आपने OSP में पढ़ा होगा, अगर हमें किसी एक ही राउटर को DR बनाना है तो भी कॉन्फ़िगर प्रायोरिटी, राइट। तो उसी तरीके से अगर हमें दोनों ASAs के बीच में इलेक्शन करवाना है, अब ऐसा तो है नहीं दोनों ASA के बीच में फेल ओवर रन कर दिया और कोई भी ASA क्या हो गया, एक्टिव बन गया, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो इलेक्शन करवाने के लिए, एक्टिव यूनिट को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है, फेल ओवर लैन यूनिट रो। Both firewalls are configured with their dedicated what? LAN unit role. कितनी firewall होती है हमारे पास failover में? कितने role होने चाहिए? दो। दो ही firewall है तो दो ही क्या होंगे? Role. कौन सा role पसंद है? कौन बोला? तो there are टू फेलओवर लैन यूनिट रोल्स, प्राइमरी एंड सेकेंड। मतलब अगर मान लो मुझे दोनों ASAs के बीच में फेलओवर कॉन्फ़िगर करना है और मैं चाहता हूं कि जो मेरा ASA1 है वो क्या बने, एक्टिव बने, तो यहां पर मुझे कोई ना कोई क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा,
रोल, और यहां पर भी क्या कन्फिगर करना पड़ेगा, रोल। इनिशियल लेवल पे जब पहली बार हम फेल ओवर रन करते हैं तो फेल ओवर लैन यूनिट रोल को एक्सचेंज करने के बाद, एक्सचेंज बोले तो अपने रोल बताने के बाद, डिवाइसेस डिसाइड करते हैं कि कौन सा एएसए एक्टिव बनेगा और कौन सा एएसए स्टैंड बाय। एक्टिव यूनिट को डिसाइड करने के लिए डिवाइसेस क्या एक्सचेंज करते हैं, हाँ, एक्टिव यूनिट को डिसाइड करने के लिए एएसएस क्या एक्सचेंज करते हैं आकाश, मान लेते हैं मुझे ये वाला एएसए एक्टिव बनाना है, तो एक्टिव या फिर स्टैंड बाय बनने के लिए फायरवॉल आपस में क्या एक्सचेंज करते हैं, अरे भाई अभी तो बताया लैन यूनिट रोल, लैन यूनिट रोल से ही तो इलेक्शन होता है, मैंने उल्टा पूछ लिया, मैंने अभी तुम्हें बताया ऊपर से नीचे कैसे जाते हैं, अब मैंने पूछ लिया नीचे से कैसे ऊपर जाते हैं, तुम बता ही नहीं पा रहे, क्या सही से नहीं समझाया। देखो भाई फेल ओवर लैन यूनिट रोल क्या होता है, मान लेते हैं दो दोस्त हैं, उन्होंने अपनी आपस में क्रिकेट की टीम बनाई, अब उनको डिसाइड करने पहले बैटिंग कौन करेगा, तो कोई ना कोई क्राइटेरिया वो यूज करेंगे डिसाइड करने के लिए कौन पहले बैटिंग करेगा, टॉस कर लेंगे हेड आया तो, या फिर टेल आया तो, या फिर कोई कागज उछाल लेंगे, हिंदी इंग्लिश या फिर और भी मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। तो मतलब अगर कहीं पर भी हमें कोई इलेक्शन करना हो तो देयर मस्ट बी ए वे या फिर एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे कि हम इलेक्शन कर सके। तो उसी तरीके से अगर हमें दो फायरवॉल के बीच में फेल ओवर कन्फिगर करना है, दोनों फायरवॉल में हमें यह डिसाइड करवाना है कि कौन सा एक्टिव होगा और कौन सा स्टैंड बाय। तो एक्टिव और स्टैंड बाय को इलेक्ट करवाने के लिए क्या यूज होता है, फेल ओवर लैन यूनिट रोल। फेल ओवर लैन यूनिट रोल, रुको, फेलओवर विथ फेल ओवर लैन यूनिट रोल, विथ लैन यूनिट रोल एएसएस डिसाइड दैट विच एएसए विल बिकम एक्टिव एंड विच एएसए विल बिकम स्टैंड बाय। मतलब ये क्राइटेरिया जिससे कि एएसएस डिसाइड करते हैं कौन सी एएसए एक्टिव रहेगी, कौन सी एएसए स्टैंड बाय। लैन यूनिट रोल क्या है, ये एक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन जो कि हम फायरवॉल पर करते हैं। दोनों फायरवॉल का हम उनका रोल बता देते हैं कि भाई तुम प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो, और ये दोनों एक इस रोल को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, और रोल को एक्सचेंज करने के बाद जो भी एएसए प्राइमरी होती है वो क्या बन जाती है, एक्टिव। फेल ओवर लैन यूनिट रोल इज ए क्राइटेरिया बाय विच बोथ एएसए डिसाइड विच एएसए विल बी एक्टिव एंड विच एएसए विल बी स्टैंड बाय। एंड होता क्या है, एएसए कन्फिगर्ड, वन सेकेंड, एएसए कन्फिगर्ड एज प्राइमरी बिकम्स एक्टिव एंड एएसए कन्फिगर्ड एज सेकेंडरी बिकम्स स्टैंड। यस, जब भी हम दो डिवाइसेस के बीच में फेल ओवर कन्फिगर करेंगे तो इन दोनों फायरवॉल्स पर क्या होगी, कुछ कॉन्फिगरेशन, उस कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है फेल ओवर लैन यूनिट। मतलब हम इस फायरवॉल को बताएंगे कि भाई तुम क्या हो प्राइमरी, इस फायरवॉल को बताएंगे तुम क्या हो सेकेंडरी। अब जब हम फेल ओवर इनेबल करेंगे तो एएसए 1 एएसए 2 को बोलेगा कि भाई मैं क्या हूं प्राइमरी, और एएसए 2 बोलेगा मैं हूं सेकेंडरी। अब दोनों को एक दूसरे का रोल पता चलेगा तो प्राइमरी वाला क्या बन जाएगा, एक्टिव। अपने रोल को एक्सचेंज करने के बाद जो कि हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे एज ए पार्ट ऑफ फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन, ये हम कॉन्फ़िगर करते हैं मैनुअली, ठीक है, रोल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एएसए एक्टिव होगा कौन सा एएसए स्टैंड बाय, ठीक है। तो
एक्टिव और स्टैंड बाय इलेक्शन करवाने के लिए या फिर एक्टिव इलेक्शन करवाने के लिए दोनों फायरवॉल पर हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, कुछ रोल। दो रोल होते हैं एक्टिव, सॉरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एएसए बिकम्स है व्हाट, एंड सेकेंडरी एएसए बिकम्स स्टैंड बाय। जब भी हम फेलओवर कॉन्फ़िगर करेंगे इनिशियल लेवल पर, इनिशियल लेवल पर हमेशा कौन सा एएसए एक्टिव बनेगा, प्राइमरी, और कौन सा एएसए सेकेंडरी स्टैंड बाय बनेगा, सेकेंडरी। ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हमें मैनुअली। हाँ, यूनिट रोल हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, फिर डिवाइसेस अपने आप इलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज मैं बता रहा था क्या, हाँ एट इनिशियल लेवल प्राइमरी एएसए बिकम्स एक्टिव बट इट इज नॉट मैंडेटरी दैट प्राइमरी एएसए विल बी ऑलवेज एक्टिव। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइमरी एएसए ही हमेशा क्या रहेगा, एक्टिव। अब आपको समझाते हैं ये वाला पॉइंट। मान लेते हैं मैंने दो एएसए के बीच में फेल ओवर कॉन्फ़िगर किया, ये है एएसए 1 और ये है एएसए 2। मैंने एएसए 1 को कॉन्फ़िगर किया एज प्राइमरी और एएसए 2 को कॉन्फ़िगर किया एज सेकेंडरी। अब याद रखना कोई भी एएसए एक्टिव हो सकता है, कोई भी एएसए स्टैंड बाय हो सकता है, बट जिस फायरवॉल को मैंने ऐसे प्राइमरी कॉन्फ़िगर किया वो हमेशा क्या रहेगी, प्राइमरी। प्राइमरी प्राइमरी और सेकेंडरी ये रोल आपस में एक्सचेंज नहीं होते। ऐसा नहीं होता कभी भी कि ये एएसए फेल हुआ तो एएसए 2 क्या बन गया, प्राइमरी। जो प्राइमरी है वो हमेशा प्राइमरी ही रहेगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल लेवल पर, एट इनिशियल लेवल पर जब मैं फेलओवर को रन करूंगा तो कौन सा एएसए एक्टिव बनेगा, प्राइमरी। प्राइमरी एएसए विल बिकम एक्टिव और ये एएसए क्या बन जाएगा, स्टैंड बाय। बट ऐसा, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा प्राइमरी क्या रहेगा, एक्टिव। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि प्राइमरी एएसए डाउन हो गया तो सेकेंडरी एएसए क्या बन गया और ये वाला एएसए क्या बन गया, प्राइमरी एएसए कैन बी इधर एक्टिव और इधर स्टैंड बाय। लेकिन पहली बार जब भी फेलओवर हम कॉन्फ़िगर करेंगे, रन करेंगे, तो कौन सा एएसए एक्टिव बनेगा, प्राइमरी। ये याद रखना, कल पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे आई होप समझ में आ रहा होगा। yes, अभी तो समझ में आ रहा होगा, जब समझाओगे ना तब पता चलेगा। आ रहा है समझ में? yes, देख रहे हो कॉन्फिडेंस आदित्य का, किस चीज की, कितनी देर बाद ये हाँ इलेक्शन होता है, हाँ सब कवर होगा अभी नहीं। तो सबसे पहली चीज जो कि फेलओवर लैन इंटरफेस से एक्सचेंज होती है या फिर आपस में डिवाइसेस एक्सचेंज करते हैं, दैट इज व्हाट, फेलओवर लैन यूनिट रोल। आपस में एक दूसरे को बताते हैं कि भाई मेरा क्या रोल है, तुम्हारा क्या रोल है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज जो एक्सचेंज होती है फेलओवर लाइन इंटरफेस से, दैट इज व्हाट, कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन। कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन बोले तो जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर मोड में जो हम करते हैं, ऑल द कॉन्फ़िगरेशन इज रेप्लिकेटेड फ्रॉम विच इंटरफेस, फेलओवर लैन इंटरफेस। जैसे कि मान लेते हैं भाई मैंने अगर अपने कंपनी के अंदर, नेटवर्क के अंदर फेलओवर कॉन्फ़िगर किया, ये मेरा प्राइमरी एएसए और ये मेरा सेकेंडरी एएसए है। ठीक है,
मुझे पता है प्राइमरी ए एस सी हमेशा क्या बनेगा, एक्टिव, मतलब प्राइमरी ए एस सी ही सबसे पहले डेटा ट्रैफिक के लिए क्या बनेगा, एक्टिव, क्योंकि यही क्या बनता है, एक्टिव। इसका मतलब जो भी मेरा फायरवॉल होगा उस पर मैं क्या करूंगा कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि फायरवॉल के इंटरफेसिस पर आईपी एड्रेस, राइट, एसीएल भी कॉन्फ़िगर करोगे आप, राउटिंग भी कॉन्फ़िगर करोगे, वीपीएन भी कॉन्फ़िगर करोगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे एक्टिव यूनिट पर या फिर प्राइमरी यूनिट पर, वो कॉन्फ़िगरेशन कहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, एएसए 2 पर भी, क्योंकि अगर एएसए 1 फेल हुआ, मान लेते हैं एएसए 1 पर 10 एक्सेस लिस्ट एंट्री है और वो एंट्रीज एएसए 2 पर अवेलेबल नहीं है, तो क्या ये दोनों एएसए आइडेंटिकल हुए, नहीं। अगर यहां से कोई ट्रैफिक आ रहा है मे बी वो एसीएल से क्या हो जाए, डिनाई, लेकिन वो ट्रैफिक अगर यहां से जाएगा फेल ओवर होने के बाद तो यहां से चला जाएगा। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहां पर है वही कॉन्फ़िगरेशन कहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, एएसए 2 पर। तो इसीलिए जब भी हम फेल ओवर कॉन्फ़िगर करते हैं किसी भी डिवाइस पर, कोई कॉन्फ़िगरेशन अगर होती है तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, रेप्लीकेट। मतलब हमें ऐसा नहीं है कि अगर मुझे ACL क्रिएट करनी है तो पहले मैं इस ASA पर लॉगिन कर ACL क्रिएट करूं, फिर दूसरे वाले ASA पर लॉगिन करूं, यहां पर ACL क्रिएट करूं, ऐसा नहीं होता। हम केवल एक ASA पर कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कॉन्फ़िगर करते हैं। एट द सेम टाइम जैसे ही मैंने इंटरफेस E0/0 कमांड चलाई वो दूसरे फायरवॉल पर भी चल गई, ठीक है। मिररिंग बोले तो थोड़ा बताएंगे, कॉपी हो जाती है, हाँ हाँ, जो कमांड यहां पर चली वही कमांड यहां पर चल जाती है, हाँ। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जो भी आप कॉन्फ़िगर करते हो वो सारा का सारा, इसमें मैं कुछ एक्सेप्शन ऐड करूंगा जैसे कि फेलओवर की कमांड, शो कमांड, ये रेप्लीकेट नहीं होती, इसके अलावा सब कुछ क्या हो जाता है, रेप्लीकेट। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन रेप्लीकेशन, यही ना कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन जो मैंने लिखा, अपने आप कॉन्फ़िगरेशन हो जाने का मतलब क्या, अपने आप कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, रेप्लिकेट। अब यहां पर भी ये पॉइंट है, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा था पहली बार कि भाई प्राइमरी एएसए ही एक्टिव बनेगा, बट ऐसा जरूरी नहीं कि प्राइमरी एएसए ही क्या रहेगा हमेशा एक्टिव। इसी तरीके से यहां पर भी पॉइंट है, तो अब मैं ये पॉइंट लिखकर डायरेक्टली आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है। एट इनिशियल लेवल, सवाल ध्यान से सुनना समझना फिर आंसर करना और ये पॉइंट भी पढ़ना साथ के साथ, ठीक है। एट इनिशियल लेवल कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज रेप्लिकेटेड फ्रॉम प्राइमरी एएसए टू सेकेंडरी एएसए। इनिशियल लेवल बोले तो पहली बार जब हम फेलओवर कॉन्फ़िगर करते हैं तो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कहां से रेप्लीकेट होती है, प्राइमरी टू सेकेंडरी। वंस फेलओवर, वो क्या बोलते हैं, फेलओवर नेगोशिएट हो गया, वंस एक्टिव यूनिट इज इलेक्टेड, फेलओवर पहली बार जब नेगोशिएट होगा प्राइमरी सेकेंडरी एक्सचेंज हो गया, उसके बाद कोई ना कोई एएसए क्या बन जाएगी, एक्टिव। वंस एक्टिव यूनिट इज इलेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन इज डन ऑलवेज फ्रॉम एक्टिव टू स्टैंडबाय। समझ में आ रहे होंगे पॉइंट, ऐसा तो कुछ नहीं है, पूछ लें सवाल, ठीक है, बता दिया था छुट्टी। मान लेते हैं ये है, इधर लिखा हुआ है ना मैंने कहीं ऊपर प्राइमरी एक्टिव स्टैंड बाय, हाँ,
मान लेते हैं मेरा ASA वन है एक्टिव और ASA टू है स्टैंड बाय, सॉरी ASA वन है प्राइमरी, मैंने कॉन्फ़िगर किया इसको, इसको कॉन्फ़िगर किया है सेकेंडरी, फेल ओवर अभी मैंने इनेबल नहीं किया, ठीक है। श्रीकांत, ऑन विच फायरवॉल, लेट सपोज यू हैव टू कॉन्फ़िगर 50 एक्सेस लिस्ट, 50 राउटिंग राउट्स, आईपी एड्रेसिंग, ऑन विच ASA शुड आई डू द कॉन्फ़िगरेशन? प्राइमरी, ठीक, आसान सा था। प्राइमरी पर क्यों करना चाहिए? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कहां से एप्लीकेबल होगी इनिशियल लेवल पर, प्राइमरी टू सेकेंडरी। पहली बार मान लो गलती से अगर मैंने सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कहां पर कर दी, सेकेंडरी पर, तो होगा क्या, फेल ओवर जब इनेबल होगा तो प्राइमरी से कॉन्फ़िगरेशन कहां एप्लीकेट होगी, सेकेंडरी पर, मतलब पहले सेकेंडरी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हटेगी फिर प्राइमरी से आएगी, और प्राइमरी पर तो कुछ है ही नहीं, सब साफ हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन। अब एक और सवाल पूछते हैं, मान लेते हैं ASA वन प्राइमरी है, ASA टू सेकेंडरी है, ये ASA वन क्या बन गया एक्टिव और ये क्या बन गया स्टैंड बाय, बट कुछ कारणों से ASA वन फेल हो गया तो ये क्या बन गया स्टैंड बाय और ये क्या बन गया एक्टिव। इस लेवल पे कौन सी फायरवॉल पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कृष्णा? ASA टू पर, मतलब समझ में आ ही रहा होगा इतना क्लियरिटी से पढ़ाया कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, कल यही समझाता तो मजा आ जाता ना। तो दो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, फेल ओवर लैन यूनिट, सॉरी फेल ओवर इंटरफेस से जो एक्सचेंज होता है, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट होती है, ASA डिसाइड करते हैं कि कौन सा ASA एक्टिव होगा और कौन सा ASA स्टैंड बाय। इसके अलावा और भी चीजें एक्सचेंज होती है फेल ओवर लैन इंटरफेस से। तीसरा पॉइंट, फेल ओवर हेल्थ मॉनिटरिंग, मतलब भाई दोनों डिवाइसेस क्या करते हैं, जो लैन इंटरफेस होगा ना उसे एक दूसरे को हेलो मैसेज भेजते हैं चेक करने के लिए कि सामने वाला डिवाइस एक्टिव है या नहीं, ठीक है, जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर भी होता है उसी तरीके से, ठीक है, पीरियोडिक हेलो मैसेज एक्सचेंज होते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट, पांच सेकंड है या फिर एक सेकंड है वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब सारा कुछ कवर होगा। एक्टिव आईपी एंड एक्टिव मैक इज रेप्लिकेटेड, ये पॉइंट काफी मजेदार है समझने के लिए, और अगर आपको मतलब एक्सपीरियंस भी है फायरवॉल पर देन आपसे डायरेक्टली इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब मुझसे पूछा गया था सिस्को टैक, मतलब मैं इंटरव्यू देने नहीं गया था, यहाँ पर आते हैं ना स्टूडेंट्स, तो मैं आपको समझाता हूँ, पहले सिचुएशन बनाता हूँ। मान लेते हैं ये है ASA 1, ये है ASA 2, ये कनेक्टेड है स्विच 1 के साथ, 0/0, 0/0, ये मान लेते हैं 0/1, 0/2, और यहां पर कनेक्टेड है राउटर 1 जिसका IP मान लेते हैं 1.1, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारा ASA 1 क्या है एक्टिव, तो इसका IP क्या होगा 1.10, इसका मैक एड्रेस क्या होगा मान लेते हैं इंटरफेस का A। अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ASA 2 जो कि स्टैंड बाय है इस पर कोई आईपी नहीं है, बट स्टैंड बाय आईपी भी होता है, लेकिन स्टैंड बाय आईपी कभी भी डेटा ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए यूज नहीं होता, तो अभी उसका कोई यूज नहीं है ये मान के चलते हैं। मान लेते हैं ASA 1 एक्टिव है और इस पर आईपी कॉन्फ़िगर्ड है 1.10 और मैक एड्रेस है क्या A।
ठीक है। अब जब भी कभी ट्रैफिक पास होगा राउटर वन से तो इस तरीके से पास होगा, है कि नहीं? राउटर वन पर गेटवे क्या कंफिगर्ड होगा? 1.10, जिसका मैक एड्रेस क्या है? ए। अब मान लेते हैं ASA 1 क्या हो गया? फेल। तो ASA 2 क्या बनेगा? एक्टिव। इसका मतलब ASA 2 अपने इस इंटरफेस पर कौन सी आईपी लाएगा और क्या मैक एड्रेस लाएगा, जिससे कि यूजर को कोई दिक्कत ना आए। यूजर का ट्रैफिक यहां से जा रहा था, यूजर का ट्रैफिक यहां से जाने लगे। तो ASA 1 जो कि एक्टिव यूनिट होती है या फिर जो भी प्राइमरी यूनिट होती है उसके जो भी इंटरफेसिस पर आईपी और मैक होता है वो भी एक्सचेंज होता है किसके साथ? ASA 2 के साथ। क्योंकि इन केस फेल ओवर हुआ तो ये वाली ASA क्या बन जाएगी? एक्टिव। तो इसके पास क्या होना चाहिए? एक्टिव आईपी और एक्टिव मैक। हो जाता है, कर लेते हैं ये एडजस्ट, रेप्लीकेट हो जाता है, दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे। अब चलो तुमने सवाल पूछा तो मैं भी एक सवाल पूछना चाहूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, भी बोल रहे हो? हाँ बोलो। हाँ 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 कॉपी नहीं होती, आईपी कॉपी नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कॉन्फ़िगरेशन कॉपी हो रही है तो यहां पर जो आईपी है वो ही यहां पर आ जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब कि जैसे कि मेरे पास, मैंने बताया ना अभी, मैंने पूरा नहीं बताया कि स्टैंड बाय आईपी भी होता है बट उसका कोई यूज नहीं है। अगर ये ASA एक्टिव है, ये ASA स्टैंड बाय है, तो जिस तरीके से दो रोल होते हैं ना उसी तरीके से दो आईपीज भी होते हैं, एक एक्टिव आईपी और एक स्टैंड बाय आईपी। लेकिन स्टैंड बाय आईपी का कोई यूज नहीं होता अभी के लिए, दोनों फायरवॉल पर आईपी सेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। बट सिनेरियो बन सकते हैं बट वो अभी कवर नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकता मैं, वो समझ में नहीं आएगा बाकी बच्चों को। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा हुआ, इनका लैन इंटरफेस फेल हो गया, ये भी एक्टिव बन गया और ये भी एक्टिव बन गया, तो उस केस में दोनों ASA क्या बन सकते हैं? कुछ टाइम के लिए एक्टिव, अगर इन दोनों की आपस में बात नहीं हुई तो, बट बहुत कम होगा। बट अभी मेरा सवाल क्या है मिस्टर आकाश से, नाम लेना जरूरी है? हाँ भाई मिस्टर आकाश, लेट्स गो बैक टू बेसिक्स। मतलब नर्सरी के जी नहीं। मान लेते हैं राउटर वन से हमें कोई ट्रैफिक सेंड करना है इंटरनेट के पास। राउटर वन के पास डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर्ड है 1.10। पहली बार जब भी हम ट्रैफिक सेंड करेंगे तो राउटर वन क्या सेंड करेगा 1.10 के लिए? आर्प, कि भाई 1.10 का मैक एड्रेस बताओ। आर्प जाएगी, आर्प यहां पर रिसीव होगा, स्विच को पता चलेगा कि अच्छा राउटर वन कनेक्टेड है यहां पर, जो भी इंटरफेस है 0/0। आर्प जाएगी ASA 1 के पास, ASA 1 बता देगा कि मेरा मैक एड्रेस क्या है, ए। यहां पर मैक एड्रेस, स्विच को पता चल जाएगा कि भाई अच्छा ये मैक एड्रेस यहां पर लर्न हो रहा है। इससे अब क्या होगा, फ्यूचर में जब भी कोई पैकेट आएगा इस मशीन से ए के लिए तो वो डायरेक्टली कहां चला जाएगा? यहां पर। स्विच पर जो भी मैक एड्रेस लर्न होता है वो कम से कम कितने टाइम के लिए होता है? 5 मिनट। ठीक है, मान लेते हैं ASA 1 क्या हो गया डाउन, तो ये जो आईपी है और ये जो मैक है कहां चले गए? यहां पर। ASA ने इन दोनों को तो आपस में पता चल गया फेल ओवर लाइन इंटरफेस से, स्विच को तो कुछ पता ही नहीं चला। स्विच ने तो अभी भी मैक एड्रेस कहां से लर्न कर रखा है? ASA। इसका मतलब जब भी राउटर वन कोई पैकेट सेंड करेगा ए मैक एड्रेस के लिए, स्विच उसको यहां पर लाएगा और कहां भेज देगा? इस इंटरफेस पर, क्योंकि इसने तो ए मैक एड्रेस कहां से लर्न कर रखा है। मतलब क्या हुआ, 5 मिनट तक कोई भी ट्रैफिक नहीं जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो स्विच को कैसे पता चलता है कि भाई मैक एड्रेस चेंज करना है या फिर नहीं करना है? देखो होता क्या है, अब समझ गए तुम क्या होता है। जैसे ही ASA 2 पर ये आईपी और मैक एड्रेस आता है तो ASA 2 क्या सेंड कर देता है? ग्रेसियस आर्प, जिससे कि स्विच क्या करता है अपने आप
इस मैक एड्रेस को कहां ले जाता है, 0/2 पर। आया समझ में, बता रखा था मैंने पहले।